तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोटो जी फाइव एस प्लस की। मोटोरोला ने ये जो फ़ोन है ये ड्यूअल कैमरे के साथ लॉन्च किया है। आप इस फ़ोन की डिज़ाइन देखेंगे तो काफ़ी सिमिलर है जी फाइव की तरह, लेकिन बैक में है आपको जो ड्यूअल कैमरा दिखेगा इस फ़ोन में, और साथ ही ऊपर नॉइज़ कैंसलेशन फीचर्स भी दिया गया है ड्यूअल LED के साथ। और इस फ़ोन की खासियत जो है खाली कैमरा है, बाकी कुछ चेंजेस नहीं है इस फ़ोन में। नीचे देख सकते हैं स्पीकर, माइक्रो USB का चार्जर और जो है माइक्रोफोन दिया गया है। साइड में आपको सिम रिमूवेबल ट्रे मिल जाएगी और ऊपर में आपको मिलेगा हेडफोन जैक। सामने आपको एक सेंसर और एक फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलेगा और साथ ही मोटोरोला का लोगो, और नीचे फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा होम बटन में, जैसा कि G5 में था। तो फ़ोन को स्टार्ट करके देखते हैं हम इसका यूज़र इंटरफेस कैसा है। यूज़र इंटरफेस इसका सिमिलर ही है, स्टॉक यूज़र इंटरफेस जो है एंड्रॉयड का वो इसमें इंस्टॉल्ड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे साइड में जो है गूगल का बार दिया गया है सर्च करने के लिए। नोटिफिकेशन पैनल भी सेम है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है, G5 के जैसा ही है। इसको आप एडिट कर सकते हैं, आपको नोटिफिकेशन में कौन से जो है आइकन्स की ज़रूरत है वो आइकन्स आप नोटिफिकेशन में रख सकते हैं। इसके बाद इसमें कलर मोड की बात करें तो दो कलर मोड है, स्टैंडर्ड और वाइब्रेंट। उसको आप अपने फैसिलिटी के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इंटरनल स्टोरेज आपको इस फ़ोन में अलग अलग अमाउंट के हिसाब से मिल जाएगी। ये देख सकते हैं मेमोरी 1.2 GB इसमें ऑक्यूपाइड रहेगा पहले से। इसके बाद फ़ोन के इंफॉर्मेशन की बात करें तो 7.1.1 एंड्रॉयड पर चलता है। June 1, 2017 का सिक्योरिटी पैच है इसमें और एंड्रॉयड नॉगेट पे बेस्ड है ये फ़ोन। तो इस फ़ोन के बारे में ज़्यादा कुछ नया है नहीं ड्यूअल कैमरे के सिवाय। तो कैमरा इसका मेन है, तो कैमरे को ऑन करते हैं। तो ये देखिए, आपको एक क्विक कैप्चर और बारकोड स्कैनर के लिए अलग अलग टाइप से आपको पहले जो है गाइड करेगा ये कि शटर साउंड रखना है नहीं रखना, क्विक कैप्चर रखना है, फ़ोटो का साइज़ क्या रहना चाहिए, कितने मेगापिक्सल में फ़ोटो को क्लिक करना है। तो ये सब आपको जो है इसमें ट्यूटोरियल के साथ आप देख सकते हैं। यहाँ पे 4K अल्ट्रा HD रिकॉर्डिंग मिलेगी 30 फ्रेम पर सेकेंड के हिसाब से, जो कि काफ़ी अच्छी है इस रेंज में। और मैं आपको पिक क्लिक करके दिखाऊंगा। इसमें अलग अलग मोड भी है, आप देख सकते हैं पोर्ट्रेट मोड जो कि अभी हाल ही फ़िलहाल में बहुत फेमस हो रहा है, उस वो मोड भी इस फ़ोन में दिया गया है। आप देख सकते हैं इसमें अलग अलग मोड्स जो है अप्लाई कर करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसको आप अपने हिसाब से ब्राइटनेस भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए पोर्ट्रेट मोड का जो है ये आपको पहले दिखाएगा कि कैसे रिजल्ट ले। 6 फीट तक इसका जो है कैपेसिटी है, 6 फीट तक मतलब आप ब्लरिंग कैपेसिटी जो है वो हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने पिक्चर क्लिक किया, देखिए इसमें आपको मिलेगा डेप्थ एडिटर। ये देखिए, तो ये है, इसमें आपको ब्लरिंग फीचर्स जो है पोर्ट्रेट मोड के हिसाब से आपको इसमें मिल जाएंगे, साथ ही अलग अलग लेयर भी आपको इस में मिलेंगे। देख सकते हैं इसमें अलग अलग फोकस, अलग अलग जगह पे फोकस हो सकता है, और साथ ही इसमें सेलेक्टिव फोकस और वो सब भी दिया गया है। और इसमें आप इरेजर की तरह, मतलब जैसे आप PNG इमेज लाते हैं वैसे PNG इमेज भी ला सकते हैं पीछे का बैकग्राउंड नील करके। ये देखिए, लेकिन इसमें क्या है बहुत सारे कलर्स है इसलिए ऐसा कैप्चर नहीं हो पा रहा है। ऐप्स की बात करें तो इसमें प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स आपको नॉर्मल वही ऐप्स मिलेंगे जो हर फ़ोन में रहते हैं। और ये मोटो वॉइस फीचर्स और मोटो एक्शन फीचर्स और ये सब शॉर्टकट्स, आपको मोटो डिस्प्ले ये सब आपको मिल जाएंगे। मोटो डिस्प्ले को ऑन करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए मोटो एक्शंस, इसमें आपको शॉर्टकट्स मिलेंगे कि स्वाइप टू श्रिंक कैमरा, पिकअप टू स्टॉप रिंग, ये अलग अलग जो है मतलब वो सेंसर की मदद से आपको जो है शॉर्टकट्स होगा। देखिए जैसे मैं आपको श्रिंक करके, देखिए श्रिंक किया तो कैमरा ओपन हो गया, तो ये जो है शॉर्टकट है। देखिए आपको बस ट्विस्ट करना है हैंड को, और आपको देखिए ये मैंने अप डाउन किया तो फ्लैश लाइट ऑन ऑफ हो रही है। तो दोस्तों ये था मोटो G5S।